नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ VLCC प्रेजेंट फेमिना मिस इंडिया यूनियन टेरिटरी सीरत संधू जी के साथ। मैम बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए टू फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैं आने वाले दिनों को काफ़ी उत्सुकता से देख रही हूँ बिकॉज मेरे साथ ही जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, माई सिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस लर्न करना एंड एक्सपर्ट्स से लर्न करना एंड ऑल्सो वर्किंग फॉर अ कॉज। सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दैट। मैम आप एक डॉक्टर भी हैं, तो मैम आपने इसके लिए तैयारी किस वक्त, मतलब कैसे टाइम निकाला? और आपने जैसे मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि आपने पुणे से पढ़ाई भी की है, तो यूनियन टेरिटरी तो बहुत दूर है, पुणे में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आपने मतलब तैयारी वगैरह की उसके बारे में? सो जब मुझे कॉल आया था तब मैंने मेंशन भी करा है, तब मैं हॉस्पिटल में थी तो तब मुझे पता चला और हमारे पास कुछ दिनों का ही गैप था, तो तब मैं जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता था मुझे तो मैं तो हॉस्पिटल में ही होती थी, OPD में, तो कॉरिडोर्स में रैंप वॉक प्रैक्टिस कर ली जब समय मिला, जब OPD थोड़ी सी थोड़ा कम भीड़ हुई जब वहाँ पे, तब मैंने वहाँ प्रैक्टिस करा अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के। बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी सारी प्रेपरेशन सिर्फ उन दिनों तक सीमित नहीं है, मैं काफ़ी सालों से पैजेंट्री को लुक फॉरवर्ड कर रही थी, मिस इंडिया को एक चांस देना चाहती थी। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने कॉलेज लेवल पे बहुत सारे पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करा, काफ़ी जीती और कुछ नहीं भी जीती, तो तब से लेके अब तक हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल मुझे यहाँ तक लेकर आया है मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से। सो या बचपन से आप तैयारी कर रही हैं इसको लेकर, जो आपने कंटेस्ट है जो आपका, इसको बचपन से आप तैयारी कर रही हैं? मेरी जर्नी पैजेंट्री में कॉलेज से शुरू हुई, मैंने कॉलेज में इस फील्ड को लेके बहुत पैशन डेवलप करा क्योंकि तब तक मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल कॉजेज हैं, मैंने डॉक्टर होते हुए मैंने डेथ मोर्टैलिटी काफ़ी करीबी से देखी, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार काफ़ी कॉजेज है जिन पे लाइक आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स एंड आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द सेम। आई थिंक फैशन अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन है ऑफ वंस क्रिएटिविटी, वंस पर्सनालिटी। एक इंसान अपनी सीरत अपने फैशन के थ्रू दिखाता है, निखारता है, तो उस रिस्पेक्ट में आई थिंक पहले भी लोग अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करते थे फैशन के थ्रू और आज भी लोग क्रिएटिविटी को चैनल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके आप, कि जो आजकल लड़कियां कपड़े क्लब में डाल के जाती हैं या कुछ लेके जाती हैं, मतलब तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि सारे फैशन करते हैं? उसको लेके मैं क्या कहना चाहूँगी, इट्स एन एक्सप्रेशन, फैशन इज एन लाइक आई सेड, फैशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी एंड एवरीबडी हैज देयर ओन। मैम आगे की आपका क्या फ्यूचर, आगे क्या करना चाहेंगे अब इसके बाद, जैसे आपकी MBBS कम्प्लीट हो चुकी है तो आगे आप मास्टर्स करेंगी या इसको करेंगी? मैं मास्टर्स भी करूँगी और मैं रैंप वॉक भी, पैजेंट्री भी साथ साथ मैनेज करना चाहती हूँ, और जैसे मैंने कहा है कि जहाँ तक पैजेंट्री मुझे अलाउ करता है टू लोगों से एक कनेक्ट बनाने का, लोगों से रीच आउट करने का, एक डॉक्टर होना मुझे अलाउ करता है कि मैं इन्हीं कॉजेज पे ग्राउंड लेवल पे वर्क भी कर पाऊँ, तो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आई थिंक बोथ कॉम्प्लीमेंट। खूबसूरती का राज क्या है, जैसे आप ब्यूटी मेंटेन करना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक ब्यूटी मेंटेन करना, इनर ब्यूटी इज समथिंग दैट वी ऑल शुड वर्क अपॉन फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट। अपने आप से एक रिलेशन बनाना, खुद से रिलेशन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर अपने आसपास वालों के बारे में सोचना, केयर करना, एंड ऑफ कोर्स एक ग्रेटर कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करना, दैट इज द कोर ऑफ ब्यूटी आई फील। लास्ट में आप
को बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं हमारे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं। किस रिस्पेक्ट में मैसेज, लाइक जनरल? अपनी जर्नी से मैं आउट ऑफ लाइक टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू से एंड एनकरेज ऑल द यूथ एंड द यंगस्टर्स टू अबव एनीथिंग फियर्सली एंड फियरलेसली फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स, एंड Nothing is impossible, but just believe and you'll be good to go. Yeah. Thank you so much, ma'am. ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।